नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हम आप सबके आपन प्रदीप पांडे चिंटू, और आज लाइव आया हूँ एक बहुत ही खास बात को लेकर। आज चूंकि 26 फरवरी है, 26 तारीख है, और आज के दिन हम सब की द मोस्ट अवेटेड मूवी प्रेम गीत रिलीज होने वाली थी। हाँ, आप सबने सही सुना, थी, क्योंकि आप सबसे माफ़ी मांगना चाहेंगे हम लोग प्रेम गीत के सभी पूरी टीम, क्योंकि आज के दिन रिलीज़ होनी थी फिल्म, लेकिन किसी टेक्निकल कारणों की वजह से, किसी क्या जो जैसे जो सिनेमा हॉल में जब फिल्में रिलीज़ होती है तो जिस माध्यम से रिलीज़ होती है, यानी कि जो सेटेलाइट के माध्यम से रिलीज़ होती है, वो सेटेलाइट पर फिल्म लोड नहीं हो पाया। थोड़ा कुछ उसमें टेक्निकल डिफॉल्ट्स आ गए कल, तो इस वजह से आज फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही है। आज सिर्फ जो मुंबई और गुजरात के जो हमारे सिनेमा हॉल जो भी खुले हुए हैं मुंबई और गुजरात के, वहाँ पर रिलीज़ हुई है, क्योंकि मुंबई और गुजरात के जो सेटेलाइट जो सिस्टम था उस पर लोड हो गया था, लेकिन जो बाकी जो अपने बिहार, यूपी, पंजाब और जो बाकी अपने राज्यों में जहाँ पर भी हमारी अपनी भोजपुरी फिल्म लगती है, तो वहाँ पर नहीं हो पाया था। तो उस चीज़ के लिए आप सब से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स की वजह से, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और मशीनी खराबी की वजह से फिल्म लोड नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये फिल्म आज रिलीज़ नहीं हो रही है। बल्कि आज रिलीज़ ना होकर ये फिल्म, आप सबकी अपनी फिल्म प्रेम गीत 5 मार्च को रिलीज़ होने वाली है, अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है, और 5 मार्च को आप सबके नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, पंजाब, नेपाल के हर सिनेमाघरों में, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में भव्य पैमाने पर बहुत ही खूबसूरत फिल्म, आप सबकी अपनी फिल्म प्रेम गीत रिलीज़ होगी 5 मार्च को। तो इस ये जो डेट पोस्टपोन्ड हुआ है, बस इसी जानकारी के लिए आप सबके बीच लाइव आया हूँ। और क्या बताऊँ, मैं खुद भी बहुत मतलब मुझे खुद भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत बेहद इंतज़ार था इस फिल्म का। मैं बहुत समय से इस फिल्म का इंतज़ार मैं खुद भी कर रहा था, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल की फिल्म है। चाहे इसके कहानी कह लीजिए, चाहे इसके शूटिंग जो मेकिंग है इस फिल्म का, मेकिंग कह लीजिए, या इसके गाने कह लीजिए, इसके एक्शंस कह लीजिए, सारी चीज़ों पर बहुत मेहनत हुआ है, सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे भी लगे हैं, काफ़ी खर्चा भी किया गया है इस फिल्म में। इस फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं सोनू खत्री जी, उन्होंने काफ़ी काफ़ी खर्च करके काफ़ी मेहनत से इस फिल्म को बनाया है, हम सब ने बहुत मेहनत की है, और साथ ही साथ जितने भी इस फिल्म के जितने भी टीम मेंबर थे, सब ने बहुत मेहनत की थी। तो आज हम सभी को एक हम सभी लोग निराश हैं इसी वजह से कि ताकि मशीनी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज फिल्म नहीं रिलीज हो पाई, तो हम सभी लोग इस बात से निराश हो गए कि आज फिल्म हम सबको देखना था सिनेमा हॉल में जाकर, लेकिन आज नहीं देख पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, और कि ताकि बस एक हफ्ते और की बात है, एक हफ्ते के बाद 5 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि 5 मार्च को ज़रूर जाइएगा सिनेमा हॉल में, और अपने अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ 5 मार्च को ज़रूर जाइएगा। और बस क्या कहूँ, अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ लखनऊ में, जिस फिल्म का नाम है loveviva.com। मेरे साथ आप सबकी बहुत ही चहेती, बहुत ही प्यारी और कमाल की अभिनेत्री, कमाल की एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे जी हैं, और हम लोग काफ़ी कमाल का जो हमारा केमिस्ट्री है, बहुत कमाल का केमिस्ट्री आ रहा है इस फिल्म में, आप सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। पहली बार हम लोग साथ में आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, और बहुत 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 मज़ा आएगा आप सबको। और हम लोगों ने जो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री हमारी रही है, बहुत कमाल की रही है, बहुत ही उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत जो उनके जो जो उनका स्वभाव है वो बिल्कुल उनके अभिनय की तरह बिल्कुल कमाल का है, प्योर है। सो बहुत मज़ा आ रहा है, और आप सबको ये फिल्म भी जल्दी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप सबको एक और बात बता दूँ कि जय शंभू फिल्म, जिसका टीज़र आप सबने देखा था, उसका ट्रेलर बहुत जल्द आने वाला है,
तो ट्रेलर का इंतज़ार करिए, बहुत धमाकेदार ट्रेलर है। आप लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा कि ऐसी ऐसा भी हमारा भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर या हमारी भोजपुरी फिल्म बन सकती है। बहुत ही कमाल का और बहुत ही उम्दा फिल्म बनी है जय शंभू। आप लोग ज़रूर देखिएगा उसका ट्रेलर भी बहुत जल्द। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स हमारे रत्नाकर जी जो हैं उनके चैनल से आने वाला है। और साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ आप सबको कि होली का गाना आ रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही भव्य रूप में आप सबके बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स चैनल से ही, रत्नाकर जी के चैनल से। तो जब भी गाना आएगा आप सब लोग खूब सारा प्यार दे, बहुत ही धमाकेदार गाना बना है। और मैं चाहूँगा कि जैसा आप सब ने पांडे जी का बेटा हूँ गाना को इतना बड़ा हिट किया, वैसे ही उस गाने को भी हिट करें, उस गाने को भी सुनें। और आप सब लोग, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको गाना भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा उस गाने में भी, क्योंकि काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी डांसी गाना बना है, तो आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ए बार के होली बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि इतने सारे जो हमने पिछले साल से लेकर अब तक जो चीज़ें हम सब ने झेला है, या हम सब ने जो चीज़ें हम महामारी के साथ, कोरोना महामारी के लड़के, जो जंग लड़के हम लोग आए हैं, उसके बाद अब एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना होली में आप सबके इस बार की होली को और खुशमई और रंगीन बनाने के लिए वो गाना लेकर आ रहे हैं। तो आप सब लोग ज़रूर सुनिए, खूब मज़ा लीजिए। हाय हाय। और काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा काम करूँ, अच्छे से अच्छी फिल्में आप सब के लिए लाऊं, और आप सब के ईगो कुछ नया दी हम भोजपुरी में, कुछ बढ़िया दी हम भोजपुरी में, कि ताकि जितना भी हमने के यहाँ, जितना भी हमारे भोजपुरी भाषी लोग बा, जितना भी हमारे भोजपुरिया समाज के लोग बा, भोजपुरिया परिवार के लोग बा, हमारे अपन परिवार के लोग बा, उस सब लोग जब भी हमारी फिल्म आए तो गर्व से सीना ठोक के कहे कि देखा भोजपुरी में ऐसा फिल्म बनेला, भोजपुरी में ए क्वालिटी की भी फिल्म बनेला, पारिवारिक फिल्म, इतना बढ़िया खूबसूरत पारिवारिक फिल्म बनेला और बड़ा हिट भी होला। तो ये हमारे बस यह सपना रहला, यह ख्वाहिश रहला कि हमार जौन भी फिल्म हम करें आप सबके बहुत पसंद आवे, आप सबके बहुत बढ़िया लगे। और इस खाली हमारे अकेले की मेहनत ना रहला, बल्कि हमार टीम, जितना भी हमार फिल्म के टीम बा, चाहे सबसे पहले हम कहें प्रोड्यूसर के, जो सोच लेकर एगो सिनेमा के निर्माण करे खातिर आवेलन, ओकर बाद डायरेक्टर के, जो सिनेमा के अपनी मेहनत से सजावेलन एगो खूबसूरत कहानी से, जो कहानी जो लेखक हमारे राइटर्स लेके आते हैं एक से एक, तो जितने भी लोग म्यूजिक डायरेक्टर्स जो उस फिल्म को अपने खूबसूरत संगीत से सजाते हैं, एक्शन मास्टर्स जो उस फिल्म को अपने एक्शन से गर्माहट देते हैं, तो जितने भी लोग उस फिल्म से जुड़े रहते हैं, कोरियोग्राफर्स जो हमको वो गाने पे पिक्चराइज जब वो करते हैं खूबसूरत तरीके से, तो जितने भी लोग उस फिल्म से जुड़े होते हैं, हमारे साथी कलाकार, हमारे साथी टेक्नीशियन, सभी लोगों की मेहनत होती है वो, तो उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही एक अच्छी से अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे आप सबके लिए, और आप सब लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए हम पर, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पर, भोजपुरी सिनेमा पर, ताकि अभी जिस दौर से हमारा भोजपुरी सिनेमा गुजर रहा है, इस दौर में आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है, आप सबके प्यार के साथ के, और साथ साथ आप सबके समझ और बूझ के भी बहुत ज़रूरत है। जौन भी फिल्म आपके बढ़िया लगे आप सब लोग ज़रूर देखिए, और अच्छी से अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी से अच्छी फिल्मों को प्रमोट करिए, जो भी जौन भी फिल्म आपके अच्छा लगे हो क्या, और प्रमोट करिए, और भी लोगों तक बताएं जाके कि भोजपुरी में ऐसे कमाल की फिल्म आई बा, तो चल के देखे के सिनेमा हॉल में जाके देखे के। हाय मुकेश तिवारी भाई, चंद्रेश्वर कुमार गुड मॉर्निंग भाई, हाय रिशु खान भाई गुड मॉर्निंग, सभी लोग के वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सभी लोग को दिल से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पूजा श्राफ, हाय पूजा, अमित भाई वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, संदीप कुमार, सभी लोगों का इंतज़ार है, थैंक यू सो मच।
बस भाई 5 तारीख के, 5 मार्च के अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज़ होगा। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स के कारण फिल्म ना रिलीज भइल है, तो आप सब लोग अगले हफ्ते फिल्म को जाकर ज़रूर देखिएगा अपने पूरे दोस्त यार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। मैं जानता हूँ कि आज बहुत सारे लोग ने प्लानिंग कर लिया था, काहे कि हमके सवेरे से इतना फ़ोन आयल कि आपके कोनो पोस्ट नहीं किया हुआ, आपके कोनो अपडेट नहीं किया हुआ कि फिल्म रिलीज़ हो रहा है, फिल्म रिलीज़ हो रहा है। हम सब ने बहुत, हम सब लोग तैयार हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं, हम सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। तो बहुत हमको भी बहुत निराशा हुआ कि सब लोग आज बहुत ही खुशी खुशी प्लान बनाए थे कि फिल्म को देखने के लिए, लेकिन चूंकि टेक्निकल डिफॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। तो आप सब लोग लेकिन 5 तारीख को ज़रूर जाइएगा और अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म को जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। अब बहुत जल्द होली के गाना आवे वाला बात, आप सब लोग ज़रूर सुने होली के गाना, और हमको पूरा यकीन है कि आप सबके होली के गाना बहुत बढ़िया लागे हमार, जौन कि हमार अपन आवाज़ में भी बा और साथे साथे हमरा साथे प्रियंका सिंह जी गले बढ़ी हैं, और बहुत ही उम्दा और बहुत ही कमाल के डांसी गाना बा। हाय सोनू सरकार, क्या हाल चाल भाई? बजरंगी कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पूजा शराफ, पांडे जी में बीरगंज से, हाँ बिल्कुल याद है आप पूजा जी। शरवन दुबे, गुड मॉर्निंग। पवन सिंह राजपूत भाई, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाई। सनी मंडल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सनी मंडल भाई। आप सबके कॉन्फिडेंस को देखकर, आप सबके जो इतने सारे जो प्यार, लव यू एंड ऑल, जो आप सब लोग जो इतना प्यार देते हैं, चाहे वो मेरे सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे वो मेरे गाने के माध्यम से हो, चाहे वो जब भी लाइव आता हूँ मैं, बहुत कम लाइव आ पाता हूँ मैं, लेकिन जब भी लाइव आता हूँ तो आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आप सबका आभार। और क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बयां करने के लिए। बहुत प्यार करता हूँ आप सबसे, दिल से, और इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे 5-6 महीना हो गया मैं घर नहीं जा पाया हूँ, लगातार शूटिंग पर एक के बाद एक फिल्में आ जा रही है, चूँकि कोरोना के वक्त हम सब लोग, हमारे जो काम, जो सबको, जो जिस जिस समय पर हमें फिल्में करनी थी, तो वो कोरोना के वक्त वो चूँकि नहीं हो पाया, तो अब सब बहुत ज़्यादा एक साथ हो गया है, तो अब लगातार करना पड़ रहा है। लेकिन आप सबका प्यार, आप सबका कॉन्फिडेंस ही ताकत है। मेरा परिवार आप हैं, मेरा परिवार मेरे घर में जो है वो है, और आप सभी लोग वहीं से प्यार से आशीर्वाद दे देते हैं तो दुगनी ताकत आ जाती है, और हर सुबह फिर दुगनी ताकत के साथ शुरू करता हूँ अपना काम। तो आप सब लोग वहीं से अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते रहिए कि ताकि जहाँ भी रहूँ आप सबका आशीर्वाद लिए, अपने भोजपुरी का, अपने भोजपुरी भाषा का, अपने भोजपुरी मिट्टी का, अपने भोजपुरी संस्कार का डंका बजाते रहूं। क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है ज़्यादा, मुझे सिर्फ काम करना आता है, अच्छा काम करना आता है, और मैं बस यही चाहूँगा कि मैं हमेशा अच्छा काम करता रहूं। बोलने वाले बहुत लोग हैं तो लोग बोलते रहें, मैं काम करता रहूं आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से, और आप सबको अच्छा अच्छा फिल्में देता रहूं, अच्छे हमेशा एंटरटेन करता रहूं। जिस चीज़ के लिए मैं हूँ आप सबके बीच, वो चीज़ हमेशा करता रहूँ, और आप सब लोग भी हमेशा ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। सोनू सरकार भाई, बहुत जल्द आएगा ये गाना आप सबको, इसका जल्दी, बहुत जल्दी पोस्टर भी देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी उसका गाने का डेट भी बता देंगे कि कब ये गाना रिलीज़ होगा। YD आदित्य, वी लव यू सर, थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू ऑल, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आप सबसे। मैना परियार, आप सबका आशीर्वाद लिए नेपाल से हैं, आपके बहुत बड़ा कहाँ कैसे, थैंक यू सो मच। विद्यासागर जी, क्या बात है, इन्होंने इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है विद्यासागर जी ने, मैं चाहूँगा कि पढ़ के बताऊँ आप सबको। इंसानों के कंधे पर जा रहे हैं कफन लिपटे, कुछ अरमान जा रहे हैं, कि मैं मिली नहीं आपसे मिलने की मोहलत,
आपसे मिलने की मोहलत इस बार है। थैंक यू सो मच। कुछ आगे संतोष सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। पवन राज भाई, गुड मॉर्निंग। खुशबू कुमारी जी, यू आर माय फेवरेट। थैंक यू सो मच खुशबू जी। पूजा शराफ, कब आ रहे हैं आप यहाँ? बस बहुत जल्द आएंगे पूजा। अभी 5 तारीख को फिल्म रिलीज़ होगी, तो पूजा जितने भी मेरे नेपाल के मेरे परिवार, भोजपुरिया परिवार हैं, वो सब लोग जाकर ज़रूर देखें। विदाश यादर, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अश्मिता सिंह, हाय अश्मिता सिंह, गुड मॉर्निंग। चिंटू जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डियर। आसिफ शेख, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग आसिफ भाई। विजय मल्होत्रा, हाय। राजकुमार भाई, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। दिलीप कुमार, गुड मॉर्निंग। शशिबाला शर्मा, हाय 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 शशिबाला शर्मा, आई अनाउंस्ड योर नेम। अभिजीत कुमार, हेलो। औरंगजेब आर्यन, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाई। गोपाल मिश्रा, गुड मॉर्निंग, आई लव यू टू भाई। मुकेश तिवारी, लव यू भैया जी, लव यू टू मुकेश। प्रीता कुमारी, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग और क्या कहूँ, बस आप सब लोग साथ बनाए रखिए। बहुत एक एक क्या कहूँ, उम्र कम है लेकिन लड़ाई बहुत बड़े बड़े लड़ रहा हूँ मैं, और आप सब लोग हमेशा बस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सब लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। ये लड़ाई तो हम चुटकी बजा के जीत लें, तो बस आप सब लोग अपन प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए अपन चिंटू पर, और हम लोग ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मोहम्मद रबानी, आई मिस यू जान, थैंक यू सो मच। सूरज बॉस, गुड मॉर्निंग चिंटू भाई, गुड मॉर्निंग भाई। विजय मल्होत्रा, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू, थैंक यू सो मच विजय मल्होत्रा जी। मैं मेरा सिर्फ हमेशा एक ही मकसद रहता है और मेरी एक ही सोच रहती है कि मैं जो भी काम करूं ईमानदारी से करूं, डंके की चोट पे करूं, और लोगों को काम अच्छा लगे, पसंद आए, जैसा लोग चाहते हैं वैसा काम करूं, सबको हमेशा प्यार करता रहूं, सबसे हमेशा प्यार लेता रहूं। अमित जग्गी जी, हाय अमित जी, हाउ आर यू। हमारे अमित जग्गी जी पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अधिकतर फिल्में मेरी रिलीज़ की उन्होंने पंजाब में। उन्होंने लिखा, ऑल द बेस्ट डियर, थैंक यू सो मच अमित जी। विमल श्रीवास्तव, यू आर द बेस्ट एक्टर ऑफ भोजपुरी सिनेमा एंड माय फेवरेट, थैंक यू सो मच विमल जी। मैं और मैं एक बात भी आप सबको बताना चाहूँगा, आप सबको, चूँकि तो आप सब लोग मुझसे बचपन से जुड़े हुए हैं, जब से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तब से आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैंने बहुत मेहनत कर मैं इस अभी जो भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, लोगों को दिल में जगह बनाया हूँ, और जितने भी मेरे भोजपुरी भाषी लोग हैं, चाहे यूपी में, बिहार में, हिंदुस्तान में, या बाहर की विदेश में कहीं पर भी, उन सभी के दिल में जगह बनाया हूँ। और बहुत मेहनत से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत कर मैं इस मुकाम पर आप सबके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप सबके प्यार की बदौलत, आप सबके साथ की बदौलत। सो बस यही कहना चाहूँगा कि ये प्यार, ये साथ हमेशा बनाए रखिए, और मैं और मेहनत करता रहूँगा। आप सबका प्यार मुझे हर बार कॉन्फिडेंस देता है, हर बार मुझे ये जज्बा देता है कि मुझे अब और मेहनत करनी है, मुझे अब और बड़ा काम करना है, कि ताकि हमारे भोजपुरी को और ऊपर लेके जाऊँ। यहाँ कुछ लोग हैं जो भोजपुरी को जितना हो सके नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हरकतों से, अपनी बातों से, लेकिन मुझे वो चीज़ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ हमारे भोजपुरी सिनेमा का नाम ना डूबे, हमारे भोजपुरी भाषा का नाम ना डूबे, हमारे भोजपुरी सिनेमा का स्तर ख़राब ना हो, इसलिए हर संभव प्रयास करते हैं कि मैं अपने भोजपुरी भाषा को, हमारे भोजपुरी सिनेमा को, हमारे भोजपुरी समाज को, हमारे भोजपुरी संस्कृति को
मैं और आगे लेके जाऊं और देश दुनिया में इस संस्कृति के बारे में बताऊं, जितने भी लोग अभी भी अगर अनभिज्ञ हैं तो उन्हें इस बारे में बताऊं, अपने एक्टिंग के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने परफॉर्मेंस के बदौलत और आप सबके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत। आप सब लोग हमेशा ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी फिल्में करता रहूँगा। जब भी मेरी फिल्में रिलीज हो तो आप सब लोग जाकर ज़रूर देखें। और हाँ, जितने भी लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और आप सब लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप पांडे __चिंटू के नाम से हूँ और आप सब लोग फॉलो करके मुझे मुझसे जुड़े वहाँ पर भी आप सब लोग मुझसे जुड़े हर चीज़ों के बारे में आप सब लोग अपडेट रह सकते हैं और आप सबका प्यार इंस्टाग्राम पर भी मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, फिर बहुत जल्दी लाइव आऊँगा आप सबसे बात करने। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप सबसे बात कर लेता। सो थैंक यू सो मच, दिल से आप सबके बहुत प्यार करेला। और 5 तारीख को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, 5 मार्च को, अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार को आप सबके नज़दीकी सिनेमा घरों में प्रेम गीत, आप सब लोग जरूर जाइए और देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, पूरे परिवार के साथ देखिए और अपने दोस्त यार के साथ जाकर फिल्म को ज़रूर देखिए। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आप सबको बेशक बहुत पसंद आएगी। जिन लोगों को भोजपुरी में एक खूबसूरत और स्टैंडर्ड फिल्म देखने हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम अपने भोजपुरी में एक्शन से भरी हुई, कमाल रोमांस से भरी हुई एक खूबसूरत फिल्म जो हमारी परिवार सभी लोग साथ में बैठ कर देख सकें, ऐसी फिल्म, तो वो प्रेम गीत है और जाकर आप सब लोग ज़रूर देखिएगा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। सो थैंक यू सो मच, अब जाए के वक्त हो गया बा, शूटिंग खातिर बुलावट आ रहा बा, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।